मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं लीगल बाउंड्री के माध्यम से उस विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो पिछले 3 दिनों से पूरे देश में एक घटना ने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इस्लाम कट्टरता को सिखाता है, क्या देश में रेडिकल फंडामेंटलिज्म वाली आइडियोलॉजी लगातार बढ़ रही है, क्या रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। कन्हैया लाल की ब्रूटल किलिंग के बाद जिस प्रकार से उसकी हत्या करके हत्यारों ने वीडियो बनाई, फिर सोशल मीडिया पे उसको अपलोड किया और वायरल कर दिया, उस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक चीज जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि जो हत्यारे हैं, जो आतंकी हैं, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के पहले और अंजाम देने के लिए आखिर कौन सी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो। पूरी दुनिया में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि रेडिकल फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ रही है। आखिर रेडिकल जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन लगातार भारत में बढ़ रही है, चाहे वो झारखंड में रूपेश पांडे की हत्या हो, चाहे पालघर में संतों की हत्या हो और अब कन्हैया लाल की इस प्रकार की ब्रूटल किलिंग। आखिर क्या है ये रेडिकलाइजेशन और क्यों बढ़ रहा है लगातार? आप सबको जानकारी होगी कि दुनिया का इकलौता देश है फ्रांस, जिसने वहां पे रेडिकल फंडामेंटलिज्म के ऊपर कानून बनाए और एंटी रेडिकलाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया और वहां पे इस कानून को लाया गया। क्यों लाने की जरूरत पड़ी वहां पे? वहां पे इसलिए लाने की जरूरत पड़ी कि फ्रांस में भी पूरी दुनिया से जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग जा रहे थे फ्रांस में, वो लगातार वहां पे रेडिकल फंडामेंटलिज्म को बढ़ा रहे थे। फ्रांस में 10% आबादी है वहां पे इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले, लेकिन कई घटनाएं हुई फ्रांस में, उसके बाद फ्रांस में इस कानून को लाया गया। अब मैं चलता हूं भारत की तरफ। भारत में पिछले कई वर्षों से इस आइडियोलॉजी को साइलेंटली प्रमोट किया जा रहा है। कारण क्या है, आखिर क्यों इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है और क्यों इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इस फंडामेंटलिज्म से? क्या है, आप सबको पता है कि ये फंडामेंटलिज्म कहां से, कौन कर रहे हैं, कैसे आते हैं? आखिर जो धर्म गुरु है वो धर्म गुरु क्या कर रहे हैं? धर्म गुरु इस चीज को धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में डालते हैं और उनको इस फंडामेंटलिज्म से इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फंडामेंटलिज्म जो ये मानती है कि जो उनकी सोच है, आपको पता होगा कि जो कुरान और बाइबल दुनिया में दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसको फॉलो करने वाले ये मानते हैं कि जो चीजें उसमें लिखी हुई है वो एब्सोल्यूट करेक्ट है और उस चीज को ही फॉलो करना है। और आज जिस प्रकार की घटना कन्हैया लाल के साथ भारत में हुई, उस घटना के बाद अगर आप पूरी इसकी हायरार्की में जाएंगे, पूरी हिस्ट्री, पूरी कॉर्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे, तो 2-3 चीजें हैं कि भारत में सोशल जो साइकोलॉजिकल जो इस समुदाय के लोग हैं, युवा हैं, वो इस प्रकार से आइसोलेटेड हैं, अपने आप को जो उनके मौलानाज हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं, उनके दिमाग में ये चीजें हैं कि वो सोशली आइसोलेटेड हैं। कारण स्पष्ट है कि आइसोलेटेड इस वजह से हैं, उनको ये लगता है कि इस भारत में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो सेक्युलरिज्म की बात करती है, हम सेक्युलरिज्म की थ्योरी पे चलते हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव एकता के साथ चलते हैं। लेकिन जो घटनाएं हो रही है, जो वो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड टेररिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड फंडामेंटलिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व है,
वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि उनको केवल और केवल अपने फंडामेंटलिज्म के आधार पे ही वो चीज करनी है जिससे इस देश में अशांति फैल सकती है। एक तो बात रही रेडिकल फंडामेंटलिज्म की, सोशल साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में जो प्रेशर है, जो चीजें हो रही है। एक बात आती है राजनीतिक धार्मिक कट्टरता। क्या है राजनीतिक धार्मिक कट्टरता, क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती है, उसके बाद जो है उनको पॉलिटिकल रिलीजियस जो है कट्टरता के साथ उनको डिफेंड किया जाता है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लोग आ जाते हैं, और वो लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से इस प्रकार की आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिलता है और ऐसी घटनाएं होती है। हमें इन सब चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है। इस प्रकार की जो पॉलिटिकल धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, अर्थात इस प्रकार की घटना करने के बाद अगर कोई अपराधी को डिफेंड कर रहा हो, कोई अपराधी को बचाने की बात करता हो, कोई जस्टिफाई करने की बात करता हो, तो आप इसको राजनीतिक धार्मिक कट्टरता कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि राजनीतिक धार्मिक कट्टरता इसलिए ऐसी चीजों को प्रमोट करती है। उनको यह लगता है कि यह बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने ऐसा अपराध किया है, जिस आतंकी ने, वो एक धर्म विशेष का है और उस धर्म विशेष के वर्ग उस फंडामेंटलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, जिस फंडामेंटलिज्म और जिस रेडिकलाइजेशन की सोच के साथ उस अपराध को उसने किया है, उस अपराध की श्रेणी, उस अपराध को इन्फ्लुएंस करने वाला जो उनका एक विचार है, वो कहीं ना कहीं अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो उस धर्म के लोग नाराज होंगे, और इसीलिए धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक धार्मिक कट्टरता को प्रमोट किया जाता है और उनको प्रमोशन मिलता है। एक चीज आती है वामपंथ कट्टरवाद। आखिर क्या है वामपंथ कट्टरवाद और क्यों इस रेडिकल ग्रुप को वामपंथी सोच के साथ बार बार जोड़ा जाता है? वामपंथ कट्टरवाद आप सबको पता है कि किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, और क्यों वामपंथ कट्टरवाद जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है वो इस चीज को इस प्रकार से ये कहती है कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम खराब है, इस वजह से ऐसे अपराध होते हैं। एक चीज आती है सोशल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस। आखिर क्या है सोशल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस? सोशल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस ये है कि एक पूरा वर्ग, एक पूरा समुदाय सोशली इसलिए आइसोलेटेड है कि वहां पे एजुकेशन का अभाव है, वहां पे पॉपुलेशन पे कोई ध्यान नहीं है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ाई जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट और अच्छी शिक्षा के प्रति उनका ध्यान ही नहीं है। तो वो लोग सोशली आइसोलेटेड तो हैं ही, और वहां पे सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इस प्रकार से चीजों को समझ पाए, व्यवस्था को समझ पाए, या वो ऐसी ज्ञान या इस प्रकार की चीजों को समझ पाए। वो उसी फंडामेंटलिज्म से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो सदियों से चली आ रही है और जो उनको फीड की जाती है, और उस फंडामेंटलिज्म से वो निकल ही नहीं पाते। और ये कारण इतने इस वजह से ये चीजें इतनी भयानक हो जाती है कि इस प्रकार की अपराध को अंजाम देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कैसे सरकार और किस प्रकार से ऐसी घटनाओं को सरकार नियंत्रित कर सकती है, सरकार कंट्रोल कर सकती है। भारत बहुत बड़ा और बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, एक सेक्युलरिज्म सोच वाले, सेक्युलरिज्म स्पिरिट की बात करती है। भारत में शिक्षा, गरीबी उस लेवल पे नहीं है कि शिक्षा का स्तर की बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है और लोग आज भी धर्म गुरुओं से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस रहते हैं। ऐसे मामलों में धर्म गुरुओं को सामने आके इस जो रेडिकल ग्रुप है उसको डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि इस जो
आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, उसको ये बताने की जरूरत है कि वो आपकी एक धार्मिक सोच हो सकती है, लेकिन उस धार्मिक सोच को आप कट्टरता में नहीं ला सकते और अपराध को अंजाम नहीं दे सकते, आतंक नहीं फैला सकते। क्योंकि जब धार्मिक गुरु जिनको ये ड्यूटी दी गई है, कहा जाता है कि धर्म गुरुओं का काम होता है समाज में परिवर्तन लाना, लेकिन वो धर्म गुरु अगर समाज में परिवर्तन लाने की जगह इस प्रकार की घटनाओं को सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो रेडिकलाइजेशन तो बढ़ेगी। तो डी रेडिकलाइज करने के लिए धर्म गुरुओं को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं कहता हूं केवल मुस्लिम धर्म गुरु ही नहीं, हिंदू धर्म गुरु और अन्य धर्मों के जो धर्म गुरु है, ऐसी घटनाओं के बाद खुल के आए और ऐसे आउटफिट्स को जो है किस प्रकार की सजा मिले और भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, और जो आने वाली पीढ़ी है इस प्रकार की जो रेडिकल ग्रुप है उससे इन्फ्लुएंस ना हो, ये बताने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो सरकार की पॉलिसी हो या जो स्टेट की पॉलिसी हो, ऐसी हो कि जो इस प्रकार की आउटफिट्स है, इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिन पे ऑलरेडी बैन है, जिन पे मॉनिटरिंग की जा रही है, वो क्या वर्तमान में कोई और गतिविधि किसी दूसरे नाम से तो नहीं कर रही है? साथ ही जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन, जो मदरसों के लेवल पे इनको एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन में कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं इनको फीड की जा रही है कि वो रेडिकल ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो एक डेवलपिंग नेशन में एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स पढ़ने की बजाय वो धार्मिक कट्टरता से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो इनकी, इनकी मॉनिटरिंग हो, और एक बच्चों के लिए एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मदरसों के ऊपर जो इस प्रकार की घटना, जहां से बच्चे निकल रहे हैं, जहां से इनकी शिक्षा हुई है, वैसे मदरसों को आइडेंटिफाई करके उनको बैन करने की जरूरत है, तभी इस प्रकार की घटनाओं को हम भारत में रोक सकते हैं। एक बात आती है कि आखिर दुनिया के कई देशों ने बैन कर दिया, मदरसों पे बैन कर दिया, इनके प्रेयर्स पे बहुत जगह बैन कर दिया, हम भारत में इन सब चीजों को नहीं कर सकते और ना हमारी भारत की ये सोच है। भारत में हम एकता, अखंडता और सेक्युलरिज्म के साथ चलते हैं, तो सेक्युलरिज्म की सोच तभी आगे बढ़ेगी जब जो रिलीजियस गुरु है, जो पॉलिटिशियंस है, जो इस प्रकार के रेडिकल ग्रुप की एडवोकेसी करते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए और इस प्रकार की घटनाओं में वो सामने निकल के आए, जब कोई पत्थरबाजी करता हो, जब इस प्रकार की घटना, वो खुल के सड़कों पे आए, विरोध करे, वो ऐसे जो अपराधी है उनकी फांसी की मांग करे, उनको कठिन से कठोर सजा हो, इस विषय की वकालत करे। जब ये सोच सामने निकल के आएगी कि समाज को अपराध मुक्त और इस प्रकार के रेडिकल ग्रुप से मुक्त करना है, जब ये सोच धर्म गुरुओं की तरफ से निकल के आएगी, तभी ऐसे अपराध और इस प्रकार के आतंकी घटनाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक सोचने वाली चीज है कि एक आतंकी खुलेआम वीडियो अपलोड करके देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा हो, उसकी हिम्मत तो देखिए कि उसने ये बात सोची भी नहीं कि मैं जिस मुल्क में हूं, जिस मुल्क में अपराध कर रहा हूं, उस मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा हूं। तो जब तक अब धर्म गुरु जो है वो सामने नहीं आएंगे, जो इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रेडिकल फंडामेंटलिज्म को इस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं, जो लेफ्ट वाली जो सोच है कि हमें जो है इस प्रकार की कट्टरता को साइलेंटली प्रमोट करना है, वो लोग सामने आके इन सब चीजों का विरोध नहीं करेंगे, समाज में नफरत फैलेगा, जो कि भारत में आने वाले समय के लिए एक खतरे की घंटी होगी। सबको पता है कि भारत जो है हिंदू बहुसंख्यक देश है, और यहाँ पे इस प्रकार की अगर घटना हिंदुओं के साथ होगी तो आने वाले समय में इसका एक बहुत डेंजर परिणाम होगा, और वैसी परिस्थिति में फिर भारत की छवि खराब होगी और तो और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उस विषय को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जो चीजें आतंकवाद को और रेडिकल फंडामेंटलिज्म को और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, उन सब चीजों को भारत में
तत्काल और जल्द से जल्द नियंत्रित करने की जरूरत है। ये मैंने इस सोच के साथ इस वीडियो को बनाई। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।